गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू. माई सेल्फ नेहा, असिस्टेंट प्रोफेसर इन आरपीएस डिग्री कॉलेज ब्लड. तो आज हम बात करते हैं हमारे न्यू ग्लैंड्स के बारे में, पैनक्रियाज ग्लैंड. इससे पहले वाले लेक्चर में हमने बात की थी हॉर्मोन्स ऑफ द पोस्टीरियर लॉब ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड्स. ओके, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का हमारा लेक्चर, पैनक्रियाज ग्लैंड. जैसे कि आपको पता है कि जो पैनक्रियाज ग्लैंड है वो कैसी होती है, हेटरोक्राइन ग्लैंड, बिकॉज इट हैज बोथ एग्जोक्राइन एज वेल एज द एंडोक्राइन पार्ट. तो फर्स्ट इज पैनक्रियाज ग्लैंड आर हेटरोक्राइन ग्लैंड बिकॉज इट हैज एग्जोक्राइन पार्ट एज वेल एज एंडोक्राइन पार्ट. एंड आपको पता है कि जो एंडोक्राइन पार्ट है वो क्या करवाता है, हॉर्मोन को सीक्रेट करवाता है, जबकि एग्जोक्राइन पार्ट कभी भी हॉर्मोन की सिंथेसिस नहीं करवाता है. यहाँ पे जो एग्जोक्राइन पार्ट है पैनक्रियास का, वो प्रोड्यूस करवाता है एक काइनस सेल, एंड एक काइनस सेल है वो सीक्रेट करते हैं पैनक्रियाटिक जूस. एग्जोक्राइन पार्ट प्रोड्यूस एक काइनल सेल एंड दिस सेल प्रोड्यूस द पैनक्रियाटिक जूस. पैनक्रियाटिक जूस, और जैसा कि आपको पता है कि जो पैनक्रियाटिक जूस है ये किसमें हेल्प करता है, इन द डाइजेक्शंस, हेल्प इन डाइजेक्शन. And these pancreatic juice are poured into the duodenum. Okay? अब हम बात करते हैं endocrine part की. तो जो endocrine part है वो बना हुआ होता है group of the epithelial cells से. This part is made up of group of epithelial cells. And this part are known as आईलेट ऑफ द लैंगरहैंस, जो क्या करवाएगा, हॉर्मोन्स को रिलीज करवाएगा, इंसुलिन या फिर ग्लुकागोन हॉर्मोन को. एंड दिस पार्ट नोन एज द आईलेट्स ऑफ लैंगरहैंस. आईलेट ऑफ द लैंगरहैंस, इनके जो नंबर है वो है अप्रोक्सीमेट 2 to 3 million. And each islet of the Langerhans has about the 3000 epithelial cell. Each islet has 3000 epithelial cell. Okay? अब हम बात करते हैं इसकी location के बारे में. तो जो pancreas gland है ये कहां पे present होता है, in the loop of the duodenum. In the loop of duodenum, stomach, and this is the small intestine. ओके, आपको पता है ये क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन. एंड स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट क्या होता है, डुओडेनम. दिस इज द डुओडेनम और ये कंप्लीट क्या है, लूप ऑफ द डुओडेनम. और यहां पे क्या है, पैनक्रियाज, जो कैसी होती है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर. दिस इज द पैनक्रियाज. पैनक्रियाज की जो एक काइनल सेल है, दिस इज द एकाइनल सेल, ये क्या प्रोड्यूस करेगी, पैनक्रियाटिक जूस. एंड दिस पैनक्रियाटिक जूस आर पोर इन टू द लूप ऑफ द डुओडेनम. दिस इज लूप ऑफ डुओडेनम. ओके, यदि हम साइज की बात करें तो आपको पता है कि जो लार्जेस्ट ग्लैंड है हमारी बॉडी की वो कौन सी होती है, लीवर.
तो जो सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड है हमारी बॉडी की वो क्या होते हैं, पैंक्रियाज। पैंक्रियाज आर द सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ बॉडी आफ्टर लीवर। तो फर्स्ट लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी है, लीवर। यदि हम लेंथ की बात करें तो 12 टू 15 सेंटीमीटर इस पैंक्रियास की क्या होती है लेंथ, और वेट कितना होता है इसका, 85 ग्राम। सेंटीमीटर इन लेंथ एंड 85 ग्राम इज वेट ऑफ द पैंक्रियास ग्लैंड। क्लियर। अब हम बात करते हैं हॉर्मोन्स ऑफ द पैंक्रियास। ओके, हॉर्मोन्स ऑफ द पैंक्रियास की बात करने से पहले हम बात करते हैं आइलेट्स ऑफ द लैंगरहैंस के बारे में। आइलेट ऑफ द लैंगरहैंस है, ये मेनली फोर टाइप की सेल रखते हैं, वन इज अल्फा सेल, बीटा सेल, डेल्टा सेल एंड गामा सेल। तो चलो बात करते हैं इसके बारे में भी। आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, हैज फोर टाइप सेल। वन इज अल्फा सेल, अल्फा सेल ऑल्सो नोन एज द ऑक्सीफिल्स और ऑक्सीफिल्स। सेकेंड इज बीटा सेल, थर्ड इज गामा सेल, एंड लास्ट इज डेल्टा सेल। अल्फा सेल प्रोड्यूस द ग्लूकागोन हॉर्मोन, इट प्रोड्यूस ग्लूकागोन हॉर्मोन। बीटा सेल प्रोड्यूस द इंसुलिन हॉर्मोन बिकॉज आईलेट ऑफ द लैंगरहैंस इज द एंडोक्राइन पार्ट। इंसुलिन हॉर्मोन एंड दिस गामा सेल आर द प्रीकर्सर ऑफ द बोथ अल्फा एंड द बीटा सेल, दैट इज गामा सेल प्रोड्यूस द न्यू अल्फा एंड द बीटा सेल। तो दिस इज द प्रीकर्सर of alpha and beta cell. Delta cell secrete somatostatin hormone. Insulin and the glucagon hormone के बारे में बात करने से पहले हम एक बार इसका फंक्शन के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले इंसुलिन एंड द ग्लूकागोन वर्क्स इन द अपोजिट डायरेक्शन, मींस कि जो इंसुलिन है उसका काम क्या होता है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करवाना, बट ग्लूकागोन हार्मोन है वो क्या करवाता है, ग्लाइकोजन को अगेन ग्लूकोज में कन्वर्ट करवाता है। कैसे, देखिए इंसुलिन है वो क्या करवाएगा, एक्स्ट्रा ग्लूकोज को इसमें कन्वर्ट करवा रहा है ग्लाइकोजन में, एंड दिस प्रोसेस इज रेगुलेटेड बाय द इंसुलिन हार्मोन। बट ग्लूकोज लेवल है वो यदि कम हो जाए ब्लड में तो जो ग्लाइकोजन है वो किसमें ब्रेक डाउन हो जाएगा, ग्लूकोज में, एंड दिस प्रोसेस इज रेगुलेटेड बाय द ग्लूकागोन हार्मोन। ठीक है, मीन्स कि जो इंसुलिन और जो ग्लूकागोन हार्मोन है ये दोनों एक ही
प्रोसेस में इन्वॉल्व है, बट कैसे है, इन द अपोजिट डायरेक्शंस। ठीक है, इंसुलिन एंड द ग्लूकागोन है, दोनों एक ही प्रोसेस में काम कर रहे हैं बट अपोजिट इन द डायरेक्शंस, इसको हम क्या बोलते हैं, एंटागोनिस्टिक इन फंक्शन। दैट इज बोथ इंसुलिन एंड द ग्लूकागोन मेंटेन द ब्लड ग्लूकोज लेवल। Maintain blood glucose level in blood. Okay. जो normal glucose level है blood का वो कितना होता है, 80 to 100 mg of the glucose per 100 ml of the blood. That is जो नॉर्मल वैल्यू है ग्लूकोज की ब्लड में वो कितनी होती है, 80 to 100 mg ग्लूकोज पर 100 ml ऑफ ब्लड। एंड दिस वैल्यू इज मेंटेन बाय द टू हॉर्मोन्स, इंसुलिन एंड द ग्लूकागोन हॉर्मोन। ओके, दिस इज अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ द पैंक्रियास ग्लैंड। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट इंसुलिन हार्मोन के बारे में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।